हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन बॉडी 2020 में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बॉडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अगर आप लोग बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिस्मार्क निम्न में से क्या था। ऑप्शन है कवि, नाटककार, संगीत, कूटनीतिज्ञ। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कूटनीतिज्ञ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो नंबर, गैरिबाल्डी पीएसए से क्या था। ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीन नंबर क्वेश्चन है जालवेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पारिदारों समानतों की। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, व्यापारियों की। जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार नंबर, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाँच नंबर क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छः नंबर क्वेश्चन है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बुर्बो, यानी बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सात नंबर क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सेडान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठ नंबर क्वेश्चन है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूनान। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौ नंबर क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यूरोप। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दस नंबर जो क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर 1829 ईस्वी में इंडियानुपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तुर्की। 1829 ईस्वी की इंडियानुपुल की संधि तुर्की देश के साथ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूनान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन आया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है फैक्ट की संधि किस देश की संधि कब हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1871। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया।
इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर एमुनियल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की, जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, हंगरी की भाषा क्या थी, हंगरी की भाषा क्या थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, मारियाइन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यूनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1688 ईस्वी में। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, तुर्की की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई यानी हार हुआ। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।